अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने टॉप तैयार किया है, रेगुलर कटिंग में हमने टॉप तैयार किया है। ठीक है, ये देखें, ये इसके हमने नीचे सेट किया हुआ है, इसे इसका ये लुक है। ठीक है, मैं आपको इसको डमी में भी लगा के दिखाऊंगा इसके गला किस तरह की सेटिंग में आ रहा है। ये देखें, डमी में लगा के मैंने आपको लुक दिखाया इसका। ठीक है, ये लुक आएगा। और इसका जो मेजरमेंट है ना, जो आप जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, उसी मेजरमेंट पे आप मीडियम साइज बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का आपका पीस बनेगा। ठीक है, ये देखिए गला किस तरह बन रहा है हमारा, और हमारी स्लीव्स भी पूरी आ रही है। चलिए शुरू करते हैं टॉप हमने किस तरह तैयार किया है। ये देखिए, जो फ्रॉक हम बना रहे हैं उसके लिए आपको लंबाई के हिसाब से कपड़ा लेना है। ठीक है, अगर आपको 40 लंबाई चाहिए उसके लिए आपको तकरीबन 3 गज कपड़ा चाहिए होगा। अगर आपको लंबी चाहिए 45 या 50 चाहिए तो उसके लिए आपको कपड़ा बढ़ाना होगा। 45 चाहिए तो उसके लिए आपको 3.5 चाहिए, और अगर 50 चाहिए लंबाई तो आपको उसके लिए 4 गज कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसे हम खोल लेते हैं। ये हमारे बड़े अर्ज का कपड़ा है। ये देखें, ये हमारा अर्ज है इस कपड़े का। ये तकरीबन 60 इंच है इसका अर्ज। और जरूरी नहीं आपका अर्ज इतना ही हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा चुन चाहते हैं तो फिर तो आपका इतना अर्ज होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल चुन चाहते हैं फिर आपका अर्ज इतना होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे हम जितनी भी चुन चाहिए, अगर ज्यादा चुन चाहिए तो मैं इसे पूरा रख सकता हूँ, लेकिन हमें चुन इतनी ज्यादा घनी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चुन चाहिए। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे चौड़ाई की। फोर्टी सिक्स इंच पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 46 इंच पे। अब हमें इस तरह डबल करके इसे प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने प्रेस करके कपड़े को बिछा लिया डबल करके। ठीक है, ये हमारे चार कपड़े हैं। ठीक है, इसका ओपन साइड मैंने ऊपर रखा हुआ है, और ये इसकी स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स के कपड़े की लंबाई है 44 इंच। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 28 इंच। अब इसे हम यहां पे इस तरह डबल कर लेंगे इसे, यहां से हम इसे दोबारा डबल कर लेंगे, और इसके साथ हम इसे सेट कर लेंगे यहां पे। ठीक है, यहां से हम इसे बिल्कुल बराबर रखेंगे, और ऊपर से भी। ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा है। अभी से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, स्लीव्स हमने बिछा ली, 2 इंच पे हम इसे निशान लगा लेंगे। अब इसे हम यहां से इस निशान तक मोड़ लेंगे, ये इस तरह मुड़ जाएगा। अब हम इसे निशान लगाएंगे यहां से 5.5 इंच पे। ठीक है, और यहां से हम इसे निशान लगाएंगे 9 इंच पे। ठीक है, अगर आपका भारी साइज होगा तो आप उसे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपका कमजोर साइज है, जिसे हम मीडियम बना रहे हैं ये, तो अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप उसे तकरीबन 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसे यहां पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस निशान से। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये मैंने यहां से कटिंग कर ली इसकी। ठीक है, ये देखें, यहां से हमने मोड़ा हुआ है 2 इंच, इसके साथ ही इसी तरह हमने कटिंग की है। अब इसकी लंबाई देखेंगे हम, ये 41 इंच आ रही है हमारी लंबाई, ये 40.5 इंच। ठीक है, तो हम इसी तरह इसे निशान लगाएंगे। देखें, ऊपर की साइड पे हमें यहां पे रखना है इंच टेप, यहां पे तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच का गैप रख के इस तरह हमने इसे नापना है और निशान लगाने हैं।
40 इंच पे। जब आप इस तरह नापेंगे तो नीचे से आपका घेर बिल्कुल बराबर आता है, ये साइडें लटकती नहीं है। अब इसकी यहां से भी स्लिट की कटिंग कर लेंगे हम, ठीक है। ये हमारी सीरीज अलग अलग हो गई। अब इसे हम यहां से निशान लगाएंगे, इस निशान से लगाएंगे हम निशान। ये जो हमारा 2 इंच मुड़ा हुआ था, यहां से हम इसे निशान लगाएंगे। 15 इंच पर हम इसे निशान लगा लेंगे। ये हमारा वेस्ट का निशान लग रहा है, ठीक है। अब इसे यहां से हम 19 इंच पे निशान लगा लेंगे, 19 नहीं 18 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी वेस्ट हो, वेस्ट हमारी इसकी वैसे है यहाँ पे 9 इंच आती है, ठीक है, कमीज की जो होती है, तो इसकी हम डबल रख रहे हैं, 9 9 18 इंच रख रहे हैं हम इसकी, ठीक है, डबल कर दी मैंने इसे। यहाँ पे हम इसे निशान लगा देंगे। अब इसे यहां से हम इस तरह शेप देंगे। ये कटिंग हो गई हमारी। अब हम इसके साथ स्लिट्स जोड़ेंगे। अब ये हमारी स्लिट्स है, ठीक है। स्लिट्स को हम इसी तरह रखेंगे सीधा, और इसी शेप में हम इसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड पे भी दूसरी स्लिट्स रख के इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने स्लीव्स जोड़ ली इसके साथ, बैक के साथ भी और फ्रंट के साथ भी। ये देखें इसी शेप में मैंने सिलाई लगाई है इसे, और इसकी दूसरी साइड की भी इसी तरह मैंने जोड़ ली स्लीव्स, ठीक है। अब ये जो हमने 2 इंच मोड़ा था, ये जो हमारी यहाँ पे नोक बन रही है, यहाँ पे हमें इस तरह मोड़ना है इसे, ये इस तरह मोड़ेगा, ठीक है। इसे हम यहां से थोड़ा सा मोड़ के इसी तरह हम इसे सिलाई लगाएंगे, पूरा ऑलराउंड इसे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम यहाँ नोक तक इसे मोड़ देंगे, यहां से हम इसे मोड़ लेंगे थोड़ा सा, और ये सिलाई से सिलाई हमारी मिलनी चाहिए। ये देखें यहाँ से भी इसकी सिलाई से सिलाई मिल रही है, ठीक है। इसी तरह चारों साइड चारों सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए हमारी। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली पूरी ऑल राउंड। ठीक है, अब इसे हम सेंटर में एक और सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में। ये मैंने एक सेंटर में सिलाई लगा ली, ठीक है। और जो हमने ये वाली सिलाई लगाई थी, ये वाली, इसके यहाँ पे हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था लास्टिक लगाने के लिए, ठीक है। और ये देखें इस चीज का आपको ख्याल करना है, ये जो हमारे ज्वाइंट्स आ रहे हैं, जोड़ आ रहे हैं, ठीक है, ये एक ही रुख पे होने चाहिए हमारे। इस तरह नहीं होने चाहिए, जिससे कि एक रुख हमारा यहाँ पे आ रहा है और दूसरा यहाँ पे जा रहा है। इस तरह होगा तो आपको लास्टिक लगाने में परेशानी हो जाएगी। ये देखिए जितना हमारा ये गैप आ रहा है सिलाइयों के बीच में, इससे थोड़ा सा पतला मैंने जो है ना लास्टिक काटा है ये। बाईस इंच इसकी लंबाई है। अब आप किसी भी चीज से जो है ना इससे लास्टिक लगा लें। अब देखें हमारे सिलाइयों का ये जो जोड़ आ रहा है, इस तरफ पे रुख आ रहा है हमारा, तो हमें लास्टिक भी इसी तरह लेके जानी है। अगर इस तरह हम लेके जाएंगे तो यहाँ आगे ज्वाइंट में फंस जाएगा लास्टिक, ठीक है, परेशानी हो जाएगी हमें।
इस तरह हम इसी पूरी इलास्टिक घुमा लेंगे। ये देखिए इलास्टिक मैंने पूरा घुमा लिया इसमें, ठीक है। और इस चीज़ का भी हमने ख्याल करना है कि इलास्टिक हमारी घूमनी नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आगे अंदर से बल नहीं होने चाहिए इसके। इसे हम यहाँ से इस तरह रख के पक्का कर लेंगे, 4-5 बार सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, ताकि निकले ना। 2-3 बार इस तरह लगा लेंगे, 1-2 बार इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे जोड़ पे सिलाई लगा लेंगे। देखो मैंने इलास्टिक पे सिलाई लगा के यहाँ पे हमने जो गैप रखा था उसकी हमने सिलाई लगा ली, ठीक है, बंद कर दिया उसे। ये देखिए ये हमारे ऊपर फ्रिल बन गई। अब हम स्लीव्स भी इसी तरह बिल्कुल फ्रिल बनाएंगे आगे, जिस तरह हमने इसका बड़ा 2 इंच बड़ा कपड़ा लिया था, ठीक है, उसी तरह हमने स्लीव्स का भी 2 इंच बड़ा कपड़ा लिया है। यहाँ पे हम इसे इस तरह मोड़ के ये 1.5 इंच आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, एक सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे, फिर इसी तरह हम इलास्टिक बीच में लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये फिर यहां से हमारी स्लीव्स की सिलाई लगती हुई आ जाएगी साइड पे, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लग जाएगी। फिर नीचे इसके घेर में हम इसे बारीक हेम कर देंगे, इस तरह बारीक हेम कर देंगे पूरे ऑल राउंड। ये मैंने इलास्टिक की सिलाई लगा के यहाँ पे मैंने इसे जो गैप दिया था, जो सिलाई छोड़ी थी थोड़ी सी, उसी मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है। और ये देखें इसकी स्लीव्स में भी हमने आगे इलास्टिक लगा ली, आगे हमारी ये फ्रिल शो हो रही है। और इसकी मैंने सिलाई लगा ली स्लीव्स पे भी और इसकी साइड पे भी, ठीक है। और इसके घेर में मैंने बारीक हेम कर लिया। अब देखें इसकी वेस्ट वाली जगह पे ये हमने 2 कुंडे बनाए हुए, ठीक है। ये 1.5 इंच चौड़ा है हमारा कुंडा, और इसका बेल्ट हमने तैयार करना था। ये 4 इंच हमारी चौड़ी पट्टी है, ठीक है। इसे हम यहां से इस तरह डबल कर लेंगे, यहां से हम इसे थोड़ी सी आड़ी सिलाई लगाएंगे, यहां से इसे सीधा ले जाएंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। इसके बीच में आके हमने 1 इंच का गैप छोड़ना है, और ये पट्टी हमारी तकरीबन 80 से 85 इंच लंबी होनी चाहिए पट्टी, ठीक है। जैसे कि हमने बेल्ट तैयार किया हुआ है इसका, इसे सिलाई लगा के हमने पलट लिया, इसे प्रेस किया हुआ तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसे हम लगा लेंगे बेल्ट को यहाँ पे। यहां से इस तरह आ जाएगा और यहां से उस पीछे से घूमता हुआ आ जाएगा। इसे यहां पे बांध लेंगे हम। ये इस तरह आ जाएगा हमारा।